सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम आज एक बहुत विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं आपके लिए इस पूरे महीने की सीरीज में, जब गोल सेटिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक, वेलकम टू एक नई जिंदगी फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लगता है हर सुबह जब हम आपके साथ रूबरू करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से। और जैसे कि मानव ने कहा, आज भी हम गोल सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि हम सब अपने जीवन में एक जैसे प्रिविलेजेस नहीं पाते, है ना। हर एक के जो बैकग्राउंड होता है, जो बचपन से जो परवरिश होती है, हर एक अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं। इनके बावजूद जो भी लक्ष्य हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिया है, अलग अलग प्रिविलेजेस के बावजूद हम इन लक्ष्य को पा सकते हैं परमेश्वर की मदद से। और रेबेका, जैसे ये विशेष अधिकारी की बात कर रहे हैं, प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, इसमें हमेशा हम लोग कंपैरिजन में चले जाते हैं। और जब कंपैरिजन में जाते हैं, दैट्स वेयर वी लूज द प्लॉट, और हम लोग थोड़े से भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मगर प्रभु है जो अपने वचन के द्वारा हमें केंद्रित करता है और लक्ष्य की ओर वापस लगा देता है, और हम लोग उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम कई बार देखते हैं कि कई जो बच्चे हैं जिन घरों में पैदा होते हैं, वहाँ शायद आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो जिस वजह से बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन ना मिल पाती हो। या हो सकता है कि बचपन में ही उनके पेरेंट्स का देहांत हो जाए या कोई एक पेरेंट का देहांत हो जाए, जिस वजह से उनकी अपब्रिंगिंग पर असर हो और उन्हें वो प्रिविलेजेस ना मिल पाएँ, वो अधिकार ना मिल पाएँ जिनके वो हकदार हैं। या आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे चैलेंजेस या हेल्थ इश्यूज़ उनके जीवन में आ जाएँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ जिसकी वजह से जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, जो प्रिविलेजेस उन्हें मिलने चाहिए, वो ना मिल पाए। लेकिन इसके बावजूद गॉड कंटिन्यूज टू बी फेथफुल टू अस, ही कंटिन्यूज टू बी गुड टू अस। और हमारा परमेश्वर हम सबसे एक समान प्रेम करता है और वो हमारी मदद करता है कि जो लक्ष्य उसने हमारे लिए निर्धारित किया है, उस हम उन्हें पा सके और उनकी ओर हम आगे बढ़ सके। आइए उसके बारे में और जिक्र करेंगे और कहानियां देखेंगे, मगर उससे पहले हम एक गाना सुनते हैं, दिल का अजीज बाय सेंट पॉल चर्च क्वायर प्रयागराज। Oh,
व्हाट अ सॉन्ग. कहा जाता है कि जो म्यूजिक है वो एक सोल का, मन का एक लैंग्वेज है, उसका कोई भेदभाव नहीं होता है. मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस गाने ने आपको काफ़ी प्रोत्साहित करा होगा इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर टू फोकस ऑन गॉड. जी बिल्कुल दोस्तों, और याद रखिए कि सेंट पॉल्स चर्च प्रयागराज की कॉयर इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़ रही है और अपने गीतों से, अपनी मधुर आवाज़ से ही हमें आशीषित करेगी. तो हमारे साथ आप जुड़े रहें और इन गीतों से आप भी आशीष पाएं. और अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings. यहां जाकर आप अपने लव्ड वंस को ऐसे ही खूबसूरत गीतों को गिफ्ट कर सकते हैं. रेबेका, हम बात कर रहे हैं आज विशेष अधिकार खोने की, प्रिविलेजेस खोने की, और उसके बाद भी हम अपने गोल्स की ओर कैसे डटे रहें, इसके बारे में. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम स्टोरी शेयर करेंगे वो हमें एक प्रोत्साहन देगी, वो हमें एनकरेज करेगी. जी बिल्कुल, और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं. दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एस्थर पीटर से और देखेंगे कि उनके जीवन में भी काफ़ी चैलेंजेस थे. शायद वो सारे प्रिविलेजेस नहीं थे जो आप और हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गोल्स को परस्यू किया और उन्हें अचीव किया. ये क्या गोल्स थे और इन्होंने इन गोल्स को कैसे अचीव किया, आज ये खुद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं. आइए इस समय हम एस्थर पीटर के साथ मुलाकात करें. अचानक जिंदगी में आए हुए हालात इंसान को जिंदगी जीने का एक मकसद दे देते हैं. एस्थर आज एक सफल बेकर हैं और अपना बिजनेस चलाती हैं, लेकिन इन्होंने जो रास्ता तय किया वो आसान नहीं था. एक वक्त ऐसा था कि शादी के बाद, ससुराल आने के बाद, उन्हें खाना बनाने को लेकर ताने सुनने पड़े थे. जब मैं शादी होके आई तो मुझे किचन से रिलेटेड कुछ भी काम करना नहीं आता था, यहाँ तक कि आटा गूंदना भी नहीं आता था. और ये सब काम तो नेचुरली आने ही चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था. और यही सुनने को मिलता था कि इसे खाना तक बनाना नहीं आता है. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और ये खाना बनाना मैंने सीखना शुरू किया. फिर मैंने एक रेसिपी बुक ली और उसको देख करके मैंने उसमें से पढ़ के सीखना शुरू करा और परमेश्वर की दया से वो अच्छा बनने लगा. फिर अपने परिवार को खिलाया, उसके बाद यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों को भी खिलाया. और जो बोलते थे कि कुछ नहीं कर सकती, कुछ आता नहीं है, परमेश्वर की दया से वो इतना अच्छा परमेश्वर ने उसमें स्वाद दिया कि जो खाता था कहता था कि हाँ सच में कि बहुत ही टेस्टी खाना है. एस्थर पीटर एक लंबे समय तक अपने घर के बनाए हुए खानों के लिए जानी गई और साथ ही तारीफ भी पाती गई. लेकिन वक्त हमेशा कभी एक जैसा नहीं रहता. आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें काम करने के लिए दूसरों के घरों में जाना पड़ा. अचानक से मेरी लाइफ में कुछ परेशानियां शुरू हुई, आर्थिक प्रॉब्लम्स आने लगी. मेरे बच्चे छोटे थे और मैंने कुछ घरों के अंदर जाके खाना बनाना शुरू किया जिससे कि इनकम भी हो और मेरे खर्चे चल सके, मेरे बच्चों के आगे फ्यूचर के लिए कुछ हो सके. और ऐसे कई सालों तक चलता रहा और मैं ये सोचती थी कि मेरा नाम एस्थर है और मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं लोगों के घरों में जाके ये सब काम कर रही हूँ. ये मैंने सोचा. मैं अक्सर बाइबल से एक वचन पढ़ा करती थी जो लिखा है भजन संहिता 113 के 7 में कि वो कंगालों को उठाते हुए से चट्टान पे खड़ा करता है. और मैं इस वचन पे विश्वास करती थी कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे कामयाब करेगा. और अक्सर मैं इस वचन को क्लेम करती थी और इस वचन पे विश्वास करती थी. बच्चे छोटे होने की वजह से एस्थर लंबे समय तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. एक लंबे समय के बाद बच्चे बड़े होते ही उन्होंने अपने मकसद को पाने के लिए कदम बढ़ा दिए. इसी दौरान क्रिसमस केक बनाने के लिए मैं एक बेकरी पे गई और जैसा कि सभी जानते हैं कि जब हम लोग केक बनाने जाते हैं तो वहाँ पे नंबर लगता है, पर उन्होंने वहाँ पे मुझे केक बनाने के लिए मना कर दिया. और मैं घर पे आ गई और घर आकर के मैंने एक ओवन खरीदा और प्रार्थना करके मैंने वो क्रिसमस केक बनाया और परमेश्वर की दया से बहुत ही टेस्टी बना.
क्योंकि मुझे वो केक बांटना भी था लोगों को और खिलाना था बाकी सभी लोगों को। और जब उन्होंने खाया तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया उसका और मेरा कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बढ़ता चला गया। और अब खाना बनाने के साथ साथ मैं बेकिंग में आगे बढ़ती चली गई और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू करी। क्रिसमस केक बनाना, कपकेक, मफिन, ब्रेड और भी तरह तरीके की चीज़ें थी और मैं नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट करती रहती थी और वो बहुत ही अच्छा बनता चला जाता था। परमेश्वर की दया से उसमें बहुत टेस्ट था और बहुत ही सफलता इसमें मुझे मिलती चली गई। और मेरा एक मकसद हो गया कि मैं इसको एक बिजनेस के रूप में लेके जाऊं और मेरा इनकम सोर्स भी ये हो जाए और मेरी एक अपनी एक पहचान बने। और 2016 में मैंने बेकरी स्टार्ट करने का सोचा और अपने पास्टर को बोला कि प्रार्थना करके वो बेकरी का नाम दें और मेरी बेकरी का नाम हिज ग्रेस बेकरी पास्टर ने दिया और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से वो बेकरी अच्छी खासी वो काम मेरा चलने लगा, एक अच्छा बिजनेस चल निकला और बहुत से ऑर्डर मुझे मिलते चले गए। और मुझे भी नहीं मालूम था कि जो चीज़ें मैं बना के दे रही हूँ वो कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं और परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाते चले गए और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा जिस मकसद को मैं लेके चली थी उस मकसद में मैं कामयाब हुई। आज एस्थर किसी नाम की मोहताज नहीं है और आज वो एक सफल होम बेकर के नाम से जानी जाती है। और आज मैं कई सालों से बेकिंग का काम कर रही हूँ और परमेश्वर की दया से अच्छा काम चल रहा है मेरा और एक अच्छा जीवन मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जी रही हूँ और बहुत ही खुश हूँ। और जिस मकसद को मैं लेके चली थी उस मकसद में मैं कामयाब होने पाई और आज जो भी कुछ मैं हूँ और जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ है, उसकी महिमा से हुआ है और मैं सारी महिमा इस बात के लिए यीशु मसीह को देती हूँ। वाओ एस्थर, थैंक यू सो मच, आपने अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की, हमें और हमारे दर्शकों को आपने इनकरेज किया अपने जीवन से और हमने जाना कि किस तरह परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्य रहा है और परमेश्वर ने आपकी मदद की है कि आज जहां आप पहुंचे हैं वहां तक आप पहुंच सके। रेबेका, इनकी कहानी से ऐसा लगता है कि इन्होंने तो कभी डगमगाई नहीं, बिल्कुल फोकस रहीं। और जब इंसान फोकस रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो मन से संपन्न है एंड ही इज सैटिस्फाइड, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के गोद में होता है। दोस्तों, जब बात करते हैं बच्चा जब माँ बाप के गोद में होता है तो इसका मतलब यह है कि प्रभु का जो वचन है कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक तरीके से पवित्र पिता के अधिकार से उनका पुत्र या पुत्री कहलाने लायक होता है, उनका संतान कहलाने लायक होता है। अगर हम ये जान लें कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पवित्र पिता की संतान हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं। और प्रभु ने वो प्रिविलेज दिया है तो दुनिया के अगर प्रिविलेज नहीं भी मिलते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो सच्चा परमेश्वर है उसका प्रिविलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने एक अपने दोस्त के साथ बैठकर एक इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग और उन कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू कर रहे थे जिनको लाइफ में आगे जाकर कुछ मुकाम हासिल करना था और हम उनकी मदद कैसे कर सकें या अपने दोस्तों को मिलकर हम एक ऐसा कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करें ताकि उन लोगों को हम मदद कर सकें कि वो लाइफ में आगे चल सकें। और इंटरव्यू के समय एक 17-18 साल की लड़की से मुलाकात हुई और उसने कहा, अंकल हम लोग तैयारी कर रहे थे और उसने बड़ी तैयारी करी मेडिकल की और उसने अचीव भी कर लिया, उसको मेडिकल सीट भी मिल गई, मगर जहाँ से उसको एक सपोर्ट आना था उन लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं दिया और एक तरीके का उसका प्रिविलेज बनता था कि सीट मिलने के बावजूद भी उसको रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, उसको फीस के लिए पैसे नहीं मिल पाए। तो हमने उससे पूछा कि आपको कैसा लगा, मतलब हाउ डिड यू प्रोसेस दैट रिजेक्शन और वो प्रिविलेज जो आपका था उसको डिनाई हुआ जो आपको। तो उसने बहुत अच्छी चीज़ कही, उसने कहा कि अंकल हम लोग तो प्रभु के संतान हैं और प्रभु की जब संतान है तो जब प्रभु ने सब खोल के दे दिया तो दुनिया के प्रिविलेजेस मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसी वजह से उस लड़की ने ठान लिया कि दोबारा वो तैयारी करेगी और उस मेडिकल सीट के लिए अप्लाई करेगी और श्योर इनफ एक साल बाद उसे दोबारा वो मेडिकल सीट मिली
और तब तक जो लोग इकट्ठा हो रहे थे उसके चारों तरफ उसको रिसोर्स देने के लिए, उनका भी सपोर्ट पूरा हुआ और आज वो एक डॉक्टर है जो बड़े पैशनेट तरीके से प्रभु की सेवा में डॉक्टर का काम करती है, मेडिकल फील्ड से प्रभु की सेवा करती है। दोस्तों, प्रभु का वचन भजन संहिता 37:4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु में अगर डिलाइटेड है तो हमारी हर चीज़ कंप्लीट है। जो मन का वैक्यूम है, जो मन की कमी है, वो डिलाइट सिर्फ और सिर्फ प्रभु में है। और वो चीज़ अगर कंप्लीट है तो जो हमारे डिज़ायर्स होंगे, जो हमारे एस्पिरेशंस होंगे, जो हमारी इच्छाएं होंगी, जो हमारे डायरेक्शंस होंगे लाइफ के, जो हमारे मनोकामनाएँ होंगी, वो सिर्फ प्रभु में ही होंगी। और उसका मतलब ये है कि वो चीज़ें पूरी होती जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आगे से जब भी अगर हम अपने जीवन में कोई रिजेक्शन या फेलियर का सामना करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, या मेरे पास ये एबिलिटी नहीं थी या ये चीज़ मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। नहीं, हमें याद रखना है कि परमेश्वर है जो हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता है, एंड वी हैव टू डिलाइट इन द लॉर्ड। सो मे द लॉर्ड हेल्प अस टू डिलाइट इन हिम, लेट अस कमिट आवरसेल्व्स टू हिम एंड लेट अस ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स। और दोस्तों, याद रखें कि CBN प्रेयर लाइन में हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस के बीच में या किसी भी विषय पर अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने लिए एक फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। We'll be right back. To book your counseling session now, follow these three easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. Welcome back, दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जो पर्पस परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है उसे हम अचीव करते हैं इसके बावजूद कि शायद कुछ प्रिविलेजेस हमारे जीवन में हमें ना मिले हों, लेकिन परमेश्वर की मदद से, उनकी मौजूदगी से हम उन गोल्स को, परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रिविलेजेस ना मिलने की और विशेष अधिकार ना मिलने की। तो ये समय बिल्कुल उम्दा होगा, बिल्कुल सही होगा कि हम अपने पवित्र पिता के पास जाएं जिसने हमें अधिकार से, हमें प्रिविलेज दिया है उसकी संतान बनने का। आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन का और समझ का और इनविटेशन का कि आप हमें संतान बोलते हैं। हम लोग इसको बार बार पढ़ते होंगे वचन में, बार बार सुनते होंगे और ये हमारे लिए क्लीशे हो गया है या बिल्कुल हम इसे कभी कदार नज़रअंदाज भी कर देते हैं, मगर वाकई में देखें प्रभु जी और इसको अगर हम डीपली सोचें तो आपने हमें बच्चा बोला है। और जब बच्चा बोलते हैं, आपने हमें अपना पुत्र या पुत्री बोला है जब हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है उस पुत्र पुत्री का सारी किस्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी आपके ऊपर आती हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं टू टेकिंग ओवर आर लाइबिलिटीज, टेकिंग ओवर ऑल दैट वी नीड, टेकिंग ओवर ऑल दैट वी आर स्केयर्स ऑफ, टेकिंग ओवर ऑल दैट वी आर अस्पायर फॉर, जो जो हमारी मनोकामनाएं हैं उस सब को अपने ऊपर आपने ले लिया है और हमें आप अपना संतान बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपने जो हमारे लिए ली अपने ऊपर वो तो हमारा पाप, और हमें दी अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, वो एक्सचेंज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पे जो हुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय खासतौर से उन भाई बहनों के लिए जो इस समय जो डिनाइड हैं अपने विशेष अधिकार के लिए, प्रिविलेजेस के लिए लाइफ में। प्रभु जी उनके मन में दुख है, उनके मन में कमी है, उनके मन में हर्ट है। प्रभु जी आप उनके ऊपर अपनी प्रेम की, दया की, कृपा का एक हाथ दें, अपने हीलिंग का हाथ दें प्रभु जी, और वो लोग जान सकें कि कोई है प्रभु, जिंदा प्रभु, सच्चा प्रभु जो उन्हें संतान बुलाता है। और उस जो प्रभु है, जो उनका पिता है, वो उनके प्रिविलेजेस उनको देगा, उनके उपाय उनको देगा, उनके डायरेक्शंस देगा। प्रभु जी उनके मनों में आप धीरज भरें, उनके मनों में शांति भरें, उनके मन में कंप्लीटनेस भरें।
ये सारी प्रार्थना हम मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। इसलिए हम जो शायद कुछ प्रिविलेजेस या कुछ अधिकार जो हमें हमारे जीवन में नहीं मिले हैं उन पर हम ध्यान न दें, पर इस बात पर ध्यान दें या उन अधिकारों पर ध्यान दें जो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। लेट अस कंटिन्यू टू एंजॉय हिज लव एंड कीप ड्रॉइंग क्लोजर टू हिम। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और ये हमेशा हमें इंकरेज करता है, हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाता है। और आज ये वचन कह रहा है कि अगर हम में से कोई भी है जिसे लगता है कि हमें बुद्धि की ज़रूरत है तो हम परमेश्वर के पास आएं और उनसे मांगें, और वो हमें देता है, वो हमें देता है और हमारी मदद करता है कि हम अपने जीवन में अपने गोल्स की ओर, उस पर्पस की ओर जो उसने हमारे लिए रखा है, आगे बढ़ सकें। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम जानेंगे CBN फाउंडेशन टीम किस तरह रिमोट कम्युनिटीज़ में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वील बी राइट बैक। समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी, तोड़कर पुरानी रीत की बेड़ियां, आज बदलाव को गले लगाइए, गले लगाइए अपना मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को गले लगाइए अपने चुनाव के हक को, आज अपने हर फैसले को गले लगाइए, किस्मत पे अपनी रोने का वक्त अब जाता रहा, रख हिम्मत दिल में, हौसले को अब गले लगाइए। बराबरी के मायने महज लफ्जों से कहीं ज्यादा है, आज बराबरी के साथ जी कर दिखाए, कुछ भी हासिल करना अब होगा नामुमकिन नहीं, हर चुनौती से आज आंखें मिलाएं। सीखिए नए हुनर, पढ़ाइए अपना ज्ञान, स्वाभिमान से जीने के लिए आज रोजगार को गले लगाइए, अपनी खुशी, अपनी हसरत, अपनी हिफाजत, अपनी जिंदगी को गले लगाइए, समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार ले जाने के बाद भी हम लोग कैसे अपने गोल्स की ओर डटे रहें। जी बिल्कुल, और अब समय है कि हम CBN फाउंडेशन के कामों के बारे में और जानेंगे। और CBN फाउंडेशन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत काम कर रहा है, तो आइए दोस्तों इस समय हम देखें कि CBN फाउंडेशन इस विषय पर क्या क्या काम कर रहा है, किस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी और विमेन राइट्स के बारे में कम्युनिटीज़ में जा जा कर के ये महिलाओं के बीच में जागरूकता क्रिएट कर रहा है। दोस्तों हम आपको ले चलते हैं अब खातिमा, जहां पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी एंड वुमेन्स राइट अवेयरनेस के बारे में, तो चलिए हमारे साथ। एक पैसा जोड़ मेरी बहना, काहे ना पैसों की बचत करे, एक जगह सब अपनी ताकत मिलाए, एक जगह सब अपनी ताकत मिलाए, ताकत से धरती हिले मेरी बहना, काहे ना पैसों की बचत करे। एक एक पैसा जोड़ मेरी बहना के संदेश के साथ CBN फाउंडेशन रिमोट कम्युनिटीज में महिलाओं को बचत करने और आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा दे रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम सब जगह करते हुए आज हम लोग उत्तराखंड के गांव में हैं, और यहां पर हमने महिलाओं के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जिसमें हमने महिलाओं को SHG की, यहां पर सारी महिलाएं थीं, और उनको हमने बताया कि किस तरह से वो पैसे तो जमा कर रही हैं लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे बीच में रिसोर्स पर्सन थी मिस ज्योति, और वो NRLM की कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आई थी, उन्होंने भी
महिलाओं के सवालों का जवाब दिया और बहुत सारी जानकारियाँ दी। भारत सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक गरीब महिला जो सक्षम है और जिसकी उम्र 60 साल से कम है वो समूह में जुड़कर अपनी आजीविका को बढ़ाए। कोई भी जैसे आर्थिक हमारे परिस्थिति आ जाती हैं तो हमें ज़रूरी है समूह बनाना। जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको बचत नहीं होती है, घर में ही खर्च हो जाता है, तो उसमें से हम एक दो पैसे, एक रुपये दो रुपये वो बचा के महीने में हम समूह जमा करते हैं। उसमें बहुत सारी फायदा होते हैं, जैसे कोई बीमार हो गए या कोई परेशानी है या किसी को पैसे देने कर्जे में, तो उसमें से निकाल के हम दे देते हैं। बचत हो या लेन देन, कुशलता हो या रोजगार, हम हर कदम पर महिलाओं के साथ हैं। CCR के बारे में बताया जो समूह लोन ले सकता है और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो सब उन्होंने बताया। समूह के बारे में सिखाया कैसे चलाना है, कैसे लेन देन करना है। समूह के बारे में सीखा जैसे CCL कराना है। अपने अधिकारों के प्रति सजग महिला ही सही मायनों में एक सशक्त महिला है। महिलाओं को बचत और लेन देन के बारे में हम लोग काफी कुछ बता चुके हैं। उसके अलावा आज हमने महिलाओं को बताया कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं। हमें बहुत सारे महिलाओं के अधिकार के बारे में सिखाया। महिलाओं के अधिकार में सीखा जैसे महिलाएं और पुरुष बराबर काम करते हैं तो उन्हें बराबर पैसा मिलना चाहिए। कम्युनिटी में लिंग भेद या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समझना और अपनी लीडरशिप को पहचानना महिलाओं के लिए उतना ही जरूरी है जितना बचत करना या रोजगार से जुड़ना। जो लकड़ी थी उसे तोड़ना था, वो मजबूत नेता होता जैसे वो तो उसे तोड़ देते। हमसे प्रश्न पूछे थे कि एक कदम आगे जाना एक कदम पीछे जाना है। हमें खेल खेल के हमें ये सीखा कि हमें स्त्री और पुरुष में बराबर होना है। जो भैया थे वो आगे निकल गए और जो दीदी थी वो पीछे रह गई, पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो समूह के माध्यम से सारी जानकारियाँ प्राप्त करें, अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं। जो समूह का मेन उद्देश्य है, जो भी उन्हें ब्लॉक के माध्यम से या किसी अवेयरनेस कैंप के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, वो हर महिला तक उस जानकारी को पहुँचाएं। रिमोट कम्युनिटीज में महिलाओं के लिए विमेन एम्पावरमेंट की राह को मजबूत बनाने के लिए आप भी CBN फाउंडेशन का सहयोग दें। फ्रेंड्स, इट्स सो वंडरफुल टू सी द वर्क दैट CBN फाउंडेशन इज डूइंग। किस तरह महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाया जा रहा है ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके और कॉन्फिडेंस के साथ अपने फाइनेंसेस को संभाल सके, अपने परिवारों के फाइनेंसेस को संभाल सके। और दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में विश्वास करते हैं, उनके सहभागी बनना चाहते हैं, तो याद रखें आपको जाना है CBN फाउंडेशन की वेबसाइट पर। एड्रेस है cbnf.org। यहाँ जाकर आप वॉलंटियर कर सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं ताकि इस काम को वो और आगे बढ़ा सकें और बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष ला सकें। दोस्तों, आज हमने बात करी फाइंडिंग पर्पस एंड गोल इन योर लाइफ दो यू हैव बीन डिनाइड ऑफ प्रिविलेजेस। विशेष अधिकार भी हमें ना मिले हों उसके बावजूद भी हम कैसे अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम ने आपको एनकरेज करा हो, ये प्रिविलेजेस ना मिलने के बावजूद भी आप लक्ष्य की ओर प्रभु में बने रहकर बन सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स TV पर सुबह 6:30 बजे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। Until then, all of you have a lovely, blessed day. God bless you. Namaskar.